नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप देख रहे हैं IVTV। आज बात होगी जहानाबाद लोकसभा सीट की। जहानाबाद लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए JDU और RJD में एक तरीके से शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। वजह खास है क्योंकि सुरेंद्र यादव भी वहां से लड़ते आ रहे हैं और वहां पर JDU के चंद्रवंशी विजयी हुए हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार ये सीट JDU कंटिन्यू करना चाहेगी या फिर RJD के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव यहाँ से लड़ेंगे, और NDA से कौन उम्मीदवार होगा? क्या अरुण कुमार इस बार लोजपा रामविलास के टिकट पर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? बात करेंगे रवि सर से। क्या देख रहे हैं जहानाबाद लोकसभा सीट का समीकरण? कौन हो सकता है इंडिया का उम्मीदवार, कौन हो सकता है NDA का उम्मीदवार? देखिए, जहाँ तक जो वहाँ का समीकरण और जो सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार करते रहे हैं अब तक उस सीट पर, स्पेसिफिकली उस सीट की हम बात कर रहे हैं जहानाबाद लोकसभा सीट की, तो उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग किया है उसका जीता जागता नमूना चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। क्योंकि वह जो सीट है जहानाबाद सीट, भूमिहार बहुल इलाका कहें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, उस पर जो है सो नीतीश कुमार अपने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वहां से उम्मीदवार बनाया और जिताया भी, और स्टिल वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भूमिहार के बाद यादवों की संख्या वहां पे ज्यादा है और नहीं, उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी समझने वाली बात है, उस समय वह NDA के फोल्ड में थे, उस समय भी नीतीश कुमार ने वहां से एक्सपेरिमेंट के तौर पर सोशल इंजीनियरिंग का वो जो नमूना पेश किया। हम इस बार देखिए, वो महागठबंधन में है, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो ठीक समझ में आ रही है, लेकिन NDA के फोल्ड में भूमिहार बहुल इलाके में भूमिहार से कैंडिडेट को नहीं देना और वहां पर जो है सो अपर कास्ट, मैंने भूमिहार कह लीजिए, अनारक्षित वर्ग जो है अभी जो सर्वे जातीय सर्वे में आया है वो, उससे आपको नहीं दे करके, और चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा समाज से है उनको दिया और जितवा करके जीत सुनिश्चित की। यह एक बहुत बड़ा मैसेज है। और अब जो वहां पर अभी का जो, हालांकि मार्जिन बेहद कम रहा था, सुरेंद्र यादव को हराया था उन्होंने और अरुण कुमार ने त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश नहीं। तो अरुण कुमार को भी देखिए, स्वजातीय होने के वहां पर बहुत सारा, मैंने वो वोट नहीं चढ़ा था अरुण कुमार पर, ये एकदम क्लियरिटी के साथ हम बताना चाह रहे हैं। उस समय का आंकड़ा निकाल करके देखिए क्या है, सुरेंद्र यादव लास्ट दम तक लड़ते आए लेकिन सुरेंद्र यादव को पटकनी खानी पड़ी। देखिए, नीतीश कुमार जो जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करते हैं उसका नमूना हम एक छोटा सा और भी देंगे। अभी देखिए, बिहार विधान परिषद की सीट पर एक जो रिक्त हुई थी सीट पर, उस उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के कारण वहां पर उन्होंने कुशवाहा को नहीं बना करके उम्मीदवार, एक ब्राह्मण समाज से जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ जो देश और दुनिया में जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन आजाद को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। तो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर रहे हैं नीतीश कुमार और वो सब लोग की निगाह थी कि जरूर कुशवाहा बनेंगे। लेकिन क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कंटिन्यू कर पाएंगे JDU के उम्मीदवार? देखिए, वही हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जातीय सांसद, सिटिंग सांसद, जो जातीय सर्वे आया है उसमें कहीं से भी नहीं दिखाई पड़ता है कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को छोड़ करके दूसरे उम्मीदवार उस सीट से होंगे। और देखिए, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पहले MLC भी रहे हैं JDU से, उससे पहले वह बाल श्रमिक आयोग के भी अध्यक्ष हुआ करते, तो वह चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो है सो गरीब गुड़वा समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति की वह आवाज हैं जो पहले सांसद के दरवाजे पर गरीब गुड़वा जाने से हिचकते थे, माने साहस नहीं जुटा पाते थे उस क्षेत्र में, अब वो उनके दरवाजे पर जा करके बैठते हैं, खाते पीते हैं। और एक सबसे बड़ी बात हम और बताना चाहेंगे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बारे में कि 365 दिन 24/7 उनका कार्यालय जहानाबाद में, पटना में खुला होता है और कोई भी उनके क्षेत्र का, उन क्षेत्र ही छोड़ दीजिए, आसपास गया कभी और बिहार के अन्य जिले से भी लोग अगर जाते हैं किसी काम को लेकर के, तो वह उनके यहाँ अगर वह मिले नहीं मिले, उनके ऑफिस में जो कार्यालय का सेटअप है उससे लोगों का शॉर्ट आउट, माने समस्या का निदान होता है। सुरेंद्र यादव वहां से लगातार जीतते आए हैं। 1998 में एक बार जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब 13 महीने के लिए वो सांसद भी बने थे, हालांकि उसके बाद हर चुनाव में उनको डिफीट मिली, हार मिली। इस बार भी वो दावा ठोक रहे हैं और दावा तो बनता ही है, चूंकि पिछली बार जो मार्जिन था वो 1000-2000 के आसपास था। देखिए, एक चीज और हम समझाना चाहेंगे, सुरेंद्र यादव जो है सो वो
बेला से एमएलए हैं, बेलागंज से जो गया जिले में, गया जिले में आता है, वो जहानाबाद जिले में है भी नहीं। और एक बात स्पष्ट है, राष्ट्रीय जनता दल से हैं वो, ठीक है वो मंत्री हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जो युवा हैं और उनका लंबा राजनीतिक कैरियर है, इस लिहाज से वह जो है सो अपनी छवि आरजेडी से इतर बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए ए टू जेड की बात करते हैं और सबकी बात करते हैं। एमवाई समीकरण पर उनका फोकस कभी नहीं रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव का, ठीक है वो एमवाई समीकरण के तहत जो वोट बैंक है वो साथ में है उनके, लेकिन वह कभी भी इस तरह की छवि जो बाहुबली की छवि है वैसे लोगों से वह थोड़ा सा परहेज करते हुए आते हैं। नहीं तो बाहुबली छवि है तो वो जिताऊ, सबसे बड़ा जो दिमाग में होता है किसी भी कैंडिडेट को उतारने से पहले जीतेगा कौन, ठीक है उन्होंने हार लोकसभा चुनाव में हार मिली है लगातार एक बार को छोड़ करके, लेकिन ये भी तो है ना कि 1990 के बाद से लेकर अब तक वहां से बेलागंज से कोई दूसरा उम्मीदवार जीता ही नहीं है, 7 बार विधायक रह चुके हैं, ठीक है जनता दल के टिकट पर और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। वो ऐसी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए वो बेलागंज से ही वह फिट कैंडिडेट है एमएलए के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और देखिए सबसे बड़ी बात है सीट की अदला बदली करनी पड़ेगी, महागठबंधन में या INDIA अलायंस में JDU RJD कांग्रेस और वाम दल है साथ में, तो ऐसे में वह सीट अदला बदली करनी पड़ती है कि अब तक वहां पर सबसे ज्यादा 5 या 6 बार वाम दल के कैंडिडेट जीत चुके हैं वहां पर, ठीक है पहले 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 के समय हाँ। 4 बार लगातार जीते हैं रामेश्वर प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद यादव पहले वो पहले की बात है, वो उस समय की बात है जब वो फिजा ही जहानाबाद की दूसरी हुआ करती थी, उस फिजा की बात है। अब बदले हुए फिजा में बदले फिजा भी बदल गई है ना, फिजा भी राजनीतिक फिजा बदली वो, और आम और आवाम का जो सोच का लेवल है वह बदला, वो तमाम कुछ बदला है, वो जहानाबाद पहले वाला जहानाबाद नहीं थी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वही वही हम कहना चाह रहे हैं कि वो फिजा अब नहीं रही, वो तमाम फिजा बदल गई है, बहुत कुछ पानी बह गया है गंगा में, अब वो आप उस तरह की बात नहीं है, तो ऐसे में लोग भी सोचने के लिए मजबूर हैं। अब जाति पर वोट कम पड़ता है, अब देखिए अब कहने कहाने के लिए वो ठीक है कि जाति वाले वोट दे देंगे, लेकिन अब विकास के नाम पर वोट पड़ता है, डेवलपमेंट के नाम पर वोट पड़ता है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी इस चीज के इसी पर फोकस्ड है वो, और वो उस तरह वो कुल मिलाकर के आपके मुताबिक वो सीट सिटिंग गेटिंग गो के फॉर्मूला के तहत चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के खाते में ही जा रही है, और इसके लिए अंदर खाने मतलब बात भी बन गई है, बेशक इस सीट के बदले कहीं और कुर्बानी देनी पड़े जेडीयू, नहीं नहीं कुर्बानी देने की बात कही है, सीटिंग सीट है जेडीयू जैसे होती तो ये उसमें नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने अपने क्षेत्र में विगत 4.5 साल में वो बहुत काम किया है, हम आपको बताना भी चाहेंगे दरधा नदी पर तो बोलते हैं कि कोई काम नहीं किया, वो बोलने से नहीं होगा, वो ऑन रिकॉर्ड है, पेपर है, डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। अब जैसे दरधा नदी पर एक पुल बना, और उसके बाद से 30 पुलिया की अनुशंसा की है उन्होंने, वो छोड़ दीजिए, जहानाबाद NH-83 में बाईपास बन रहा है कि निर्माण कार्य चल रहा है, तेजी के साथ चल रहा है, 9,06,95,000 से लागत से बनने वाली 14 गृह बना है जहानाबाद में, वो उसका भी निर्माण कार्य, तो ऐसे कई पंचायती राज विभाग, सामुदायिक भवन का निर्माण, यह सब तो चलिए। आप मुझे बताइए कि NDA से कौन वहाँ पे उम्मीदवार हो सकता है, चूंकि 2014 में अरुण कुमार जीते थे RLSP उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मोदीलाल में, जब उपेंद्र कुशवाहा NDA में थे, लेकिन 2019 में वो हार गए थे, हालांकि उससे पहले वो चुनाव जीते हैं वहां से निश्चित रूप से वो जी वो तो इस बार चूंकि अरुण कुमार LJP-R में है यानी चिराग पासवान की पार्टी में है, तो क्या गठबंधन के तहत BJP वो सीट गठबंधन के तहत वो सीट अगर यदि NDA के फोल्ड में और उसके खास करके चिराग पासवान की पार्टी में जाती है तो वो निश्चित रूप से अरुण कुमार वहां से दावेदार होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, वो लगे भी हुए हैं, काम भी कर रहे हैं, वो तो वो इससे पहले रहे भी हैं जैसा सब लोग जानता है, तो लेकिन मुश्किल होगी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के को चुनौती देना, वहां पर जो सोशल इक्वेशन है, जो सामाजिक वहां का जो ये है, उसमें निश्चित रूप से वहां पर कोई भी अगर यदि होगा तो वो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के कार्य और जितने शालीन और सभ्य हैं वो हर आदमी का वो एंटरटेन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर, और देखिए
सबसे बड़ा अभी जो जातीय सर्वेक्षण का जो 37% है, हाँ, पिछड़ा समाज से जिस समाज से आते हैं वही कह रहे हैं। तो वो ऐसी परिस्थिति में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि 36-37% जो अति पिछड़े की बात जो है सो सब लोग कर रहा है। और कौन देखिए, अति पिछड़े की बात नरेंद्र मोदी करते थे और उसी पर जो सो स्ट्राइक नीतीश कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से या जातीय सर्वे के माध्यम से किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जोल्ट के समान, झटके के समान भी है एनडीए के लिए। तो ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। देखने वाली बात होगी कि इस लोकसभा क्षेत्र से कौन चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी के खिलाफ। इसी लाइन के साथ इस डिबेट का समापन करना चाहेंगे कि ये सीट जेडीयू के खाते में जा रही है, यानी कि चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी एक बार फिर से वहां पर INDA अलायंस के तहत ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। NDA के उम्मीदवार के तौर पर अब तक जो रेस में सबसे आगे हैं वो है लोजपा रामविलास के अरुण कुमार। देखने वाली बात होगी कि वो सीट क्या सच में लोजपा रामविलास के खाते में जाती है, तभी अरुण कुमार चुनाव लड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।